कटनी जिले की औद्योगिक नगरी कैमूर में आज विशाल स्वास्थ्य परामर्श महाशिविर का आयोजन धर्मलोक हॉस्पिटल कटनी के सौजन्य से गायत्री मंदिर संडे मार्केट कैमूर में संपन्न हुआ, जिसमें कि कटनी धर्मलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश बत्रा जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर हर्षा बत्रा प्रसूति स्त्री एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर राजशेखर हड्डी रोग एवं जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ सहित डॉक्टर निशा श्रीवास्तव कान नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ द्वारा साप्ताहिक अवकाश रविवार के दिन बहुतायत मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई एवं उचित इलाज हेतु परामर्श किया गया। आए हुए मरीजों से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र ₹50 भी प्रति व्यक्ति से लिया गया। तहसील संवाददाता विष्णु चतुर्वेदी से बातचीत के दौरान आगंतुक डॉक्टर द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा मरीजों का इलाज एवं ऑपरेशन भी निःशुल्क किया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर के सफल आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार कैमूर के अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद सोनी, जुगल मिश्रा, विजय नामदेव, राजेश निगम, प्रकाश नेगी, अमित शर्मा, राजेश सोनी, गोलू सोनी, संतोष वर्मा की भूमिका सराहनीय रही। यहाँ पे जो कैंप लगाया हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारे इस आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जी, और इस औद्योगिक नगरी में भी जो भी लोग खर्च वाहन नहीं कर पाते, तो उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान की गई है। आयुष्मान कार्ड और जो ग्रीन कार्ड रहता है, उसके माध्यम से कोई भी खर्च नहीं होगा, उनका जो भी ऑपरेशन वगैरह का है वो पूरा उसी में हो जाता है। और गायत्री परिवार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार है, उसने हमेशा निस्वार्थ भाव सेवा रख करके जन सेवा में अपना एक भागीदारी निभाई, और हम धन्यवाद देते हैं हमारे हॉस्पिटल इनके कि धर्मलोक हॉस्पिटल का, खासकर हमारे डॉक्टर राजेश जी हैं, उनकी पत्नी जी हैं और वहाँ के उनका स्टाफ है, कि उन्होंने इतना बढ़िया सहयोग प्रदान किया कि हमको गायत्री परिवार को एक अवसर दिया कि आप भी इसमें सम्मिलित होकर के और सहयोग करें और सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। मतलब इस कार्यक्रम में ये हॉल वगैरह देने का सहयोग आपका था? जी हाँ, ये गायत्री परिवार की तरफ से इनको हॉल दिया गया है, और हमारा यही उद्देश्य है कि भले कोई भी आए, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ होना चाहिए। ये हमारा गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य, मतलब अपने क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं देने के लिए आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारे क्षेत्र, इसमें आपने कुछ पैसा नहीं लिया? नहीं, हमने कोई पैसा ऐसा नहीं लिया, ऐसी कोई हमारी बात भी नहीं हुई है जी जी। और अगर कहते हैं कि नहीं कुछ आपको डोनेट करना चाहते हैं, तो ये तो मंदिर है, संस्थाएं हैं, संस्थाएं तो डोनेट से ही चलती हैं, अगर डोनेशन है तो संस्थाएं हैं, इसलिए हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। हमारा केवल उद्देश्य यही है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ पहुंचे। क्या बीमारी क्या है आपको? घुटनों में दर्द। अच्छा, घुटनों में दर्द जी। ओके, धन्यवाद। और बाजू में हंसी भी पूछी, आपको क्या बीमारी है? घुटनों के दर्द, हाथ। अच्छा, अभी आपने दिखाया कि नहीं दिखाया? दिखाया नहीं, मैं तो बैठ कर। तो आपकी कुछ फीस भी लगी है या फ्री चेकअप हो रहा है यहाँ पे? ₹50। ₹50 रजिस्ट्रेशन शुल्क है। मैडम, आयुष्मान कार्ड अपने यहाँ वैलिड है? मैडम, और हेल्दी सीजन में तो शिविर का आयोजन होता है मैडम, तो क्या आप आम जनमानस के सेवा के लिए आए हैं कि अपने प्रचार प्रसार के लिए आए हैं? हम मरीजों की सेवा के लिए ही आए हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तभी हम इतने दूर से आए हैं, इतनी सारी तैयारी होती रखी है, तो हम यहाँ मरीज को देख रहे हैं और काफ़ी कम फीस भी ले रहे हैं। और मरीज को किस प्रकार से आप ठीक कर रहे हैं? उनकी जाँच कर रहे हैं हम, या हमारे पास ये कैमरा है जिससे हम देख रहे हैं कि उन्हें क्या परेशानी है और हम दवाइयाँ दे रहे हैं। इसके आगे मैडम, जो किसी का ऑपरेशन वगैरह होने, अदर जो चेकअप होने हैं, तो वो हॉस्पिटल में अपन सुविधा देंगे? तो आयुष्मान कार्ड से पूरी तरह से फीस अपन लेंगे कि पार्ट? आयुष्मान कार्ड से जितने हमें फीस। अच्छा, मतलब बीमारियों में अलग अलग डिसाइड होगा? जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें जानने को मिला है कि 5 लाख तक का
मिलेगा? हर बीमारी का फिक्स जो बीमारी होती है। अच्छा, तो मान लीजिए जैसे 2 लाख किसी का 2 लाख खर्चा आ रहा है अगर किसी बीमारी में, तो उसमें कितना करेंगे आप? ओके, गुड मॉर्निंग सर। अपना यहाँ पे शिविर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं हेमलॉक हॉस्पिटल से आया हूँ, मैं यहाँ पर आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड पेशेंट्स को स्क्रीन करने आता है। काफी सारे पेशेंट्स हैं जिनको पता नहीं है कि हॉस्पिटल उनके बारे में बताने आए हैं। हमारे हेमलॉक हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, सर्जरी वाले लोग TNT, और वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बारे में मैं चाह रहा था कि हॉस्पिटल को काफ़ी सारी चीज़ें, हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं है। हम चाह रहे थे उनको पता पड़े ताकि वो आयुष्मान से पेशेंट का इलाज कर सके। सर, अपने हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड पूरा इलाज हो जाएगा? हाँ, एक्चुअली क्या है, कुछ एक भ्रांतियाँ हैं, जैसे एड चलती है कि सारे पेशेंट्स का 5 लाख निःशुल्क इलाज किया जाएगा, जैसा है नहीं। एक्चुअली हर बीमारी का कुछ फिक्स पैकेज दिया गया है, उतना ही होता है। प्लस सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सारी चीज़ें नहीं मिली हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में डाल के रखी हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने प्राइवेट में डाल के रखी हैं। तो जब पेशेंट आता है तब हम बता पाते हैं कि आपका हम इलाज कर पाएंगे या नहीं। आपका नाम सर? डॉक्टर राजेश मित्र। थैंक यू सर। आयुष्मान कार्ड सुनने में आया है कि काफ़ी हॉस्पिटलों में लाभान्वित नहीं है, तो क्या अपने यहाँ ये फैसिलिटी है क्या? हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड द्वारा काफ़ी इलाज किया जा रहा है और बनाए भी जा रहे हैं। अगर पेशेंट के पास समग्र आईडी और आधार कार्ड है तो उनका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।